हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में तो फटाफट रिवीजन की सीरीज़ में आपका स्वागत है अगला पार्ट है ये इस सीरीज़ का जिसमें हम जून महीने के जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं यानी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको कवर करेंगे साथ ही जिन इम्पोर्टेंट डेज की थीम है ये सब भी आपको बताता चलूँगा ये वीडियो रिविज़न परपज़ से है और ये काफ़ी शॉर्ट होगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिविज़न करने का टाइम मिल सके तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा ये जल्दी से शुरू करते हैं हम तो सबसे पहले एक जून एक जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे साथ ही तेलंगाना स्टेटहुड डे इसके बाद आता है तीन जून तीन जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे इसके बाद आता है पाँच जून पाँच जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वामेंट डे इसके लिए साल थीम रखी गई है एकको सिस्टम रीस्टोरेशन और साथ ही होस्ट कंट्री रखी गई है पाकिस्तान तो ये दो पॉइंट आपको अलग से याद रखने हैं इसके बाद आता है छः जून छः जून को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस रशियन लैंग्वेज डे वर्ल्ड बेस्ट अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है छः जून को और छः जून को ही चौबीसवा बिम्स्टेक डे भी मनाया गया है इसके बाद आता है सात जून सात जून को मनाया गया वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इसके लिए साल थीम रखी गई है सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो फिर आता है आठ जून आठ जून को हमने मनाया वर्ल्ड ओशियंस डे जिसके लिए थीम रखी गई है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स आठ जून को ही मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इसके बाद आता है नौ जून नौ जून को मनाया गया वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे जिसकी थीम थी एक्रीडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसके बाद आता है बारह जून बारह जून को मनाया गया वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इसके लिए थीम रखी गई एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर इसके बाद आता है तेरह जून तेरह जून को मनाया गया है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे जिसकी थीम रखी गई है इस साल स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑर्ड्स ठीक है थीम याद रखिएगा चौदह जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इसके लिए इस साल थीम रखी गई है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग इसके लिए होस्ट कंट्री रखी गई है 2021 के लिए इटली तो ये एडिशनल पॉइंट आपको याद रखना है फिर अब पंद्रह जून 15 जून को मनाया गया वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे जिसके लिए थीम थी एक्सेस टू जस्टिस 15 जून को ही मनाया जाता है ग्लोबल विन डे और 15 जून को ही आसियान डेंग्यू डे भी मनाया जाता है इसके लिए थीम रखी गई थी आसियान यूनाइट अगेंस्ट डेंगू एमिट्स द पेंडेमिक सोलह जून को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस सत्रह जून को मनाया गया वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ब्रॉड इसके लिए इस साल थीम रखी गई थी रीस्टोरेशन ठीक है रीस्टोर एशिया लिखा यहाँ पे इसकी जगह रिस्टोरेशन होगा रीस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी विल बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड ये इसकी थीम थी इस साल इसके बाद अठारह जून को मनाया गया सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमिक डे अठारह जून को ही मनाया गया ऑटिस्टिक प्राइड डे इसके बाद आता है उन्नीस जून उन्नीस जून को मनाया गया नेशनल रीडिंग डे इसके साथ ही वर्ल्ड सिकल सेल डे भी मनाया गया उन्नीस जून को इसकी थीम थी शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल बीस जून को मनाया गया वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जिसकी थीम थी टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन इसके बाद इक्कीस जून इक्कीस जून को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है इक्कीस जून को मनाया गया इंटरनेशनल योगा डे जिसके लिए थीम थी योगा फॉर वेलनेस इक्कीस जून को ही मनाया गया वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जिसकी थीम थी हंड्रेड ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी और इक्कीस जून को ही मनाया गया वर्ल्ड म्यूज़िक डे फिर आता है तेईस जून तेईस जून को मनाया गया इंटरनेशनल ओलंपिक डे जिसकी थीम थी स्टे हेल्दी स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे एक्टिव विद द हैश टैग ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन ट्वेंटी थ्री जून तेईस जून को ही मनाया गया यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे जिसकी थीम थी इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विसेज न्यू गवर्नमेंट मॉडल फॉर अ न्यू एरा टू रीच द एच फिर तेईस जून को ही मनाया गया इंटरनेशनल विडोज डे फिर आता है पच्चीस जून पच्चीस जून को मनाया गया डे ऑफ द सी फेयरर्स जिसकी थीम थी सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर छब्बीस जून आता है इसके बाद छब्बीस जून को मनाया गया इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्राफिकिंग छब्बीस जून को ही मनाया गया इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर इसके बाद आता है सत्ताईस जून सत्ताईस जून को मनाया गया यूनाइटेड नेशंस एम डे या सिंपली एम डे भी कहते हैं इसके लिए थीम थी एम एस की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी इसके बाद आता है उनतीस जून उनतीस जून को मनाया गया नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे इसके लिए थीम थी इंड हंगर अचीव फॉर सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उनतीस जून को ही मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स फिर आता है आखिरी दिन तीस जून तीस जून को मनाया गया वर्ल्ड सोशल मीडिया डे और इसके साथ ही इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे भी मनाया गया तीस जून को तो ये थे जून के महीने के इंपॉर्टेंट डेज यानी महत्वपूर्ण दिवस और जिनमें थीम थी ये सब भी आपको कवर करा दिया आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब अगला वीडियो आया इस सीरीज़ का तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस